और आज के मजलिस के दीगर फिल्मकार तमाम के आप दूर दराज से आए हुए नेक हाजात जाए हैं उनमें हाजात के हवाई खातर आल महमद की जात पर बड़ा तरस सलवा हुआ अजीजा ने क्या मिला आपके सामने जीनत के मेंबर हो रहे हैं नफीस जाकरी जीशान जाकरी बार बार साहब कारी अख्तर साहब दूर से तशरीफ लाए हुए मेहमान जाकिर अल बैत अली हसन हैदरी ऑफ लाहौर और उसकी इबादत के बाद जाकिर अल बैत कुमैल रिजवी इंशाल्लाह 3 बजे जाकिर अल बैत जाकिर शबीर रशीद शमसी साहब जाकिर अल बैत बयान फरमाएंगे नाराय तकबीर नाराय तकबीर नाराय रिसालत नाराय रिसालत नाराय विलायत नाराय विलायत कुल ईमान नाराय हाय हजरी नाराय हाय हजरी मौला काम कमाई है लेकिन अभी अभी शौकत रजा की रुबाई याद आ गई मौला काम कमाई है लेकिन अभी अभी जहाँ में मिला मिलाई है लेकिन अभी अभी आशूर की शब माँ ने शब्बीर से कहा मुजरिम को हुर बनाइए लेकिन अभी अभी नाराय हैदरी कारी रुसाई जाकिर अल बैन जाकिर अली हसन हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पलंतर सलवा मोहम्मद वज्जल फरजाल मोहम्मद सरवार बवाजे बुलंदतर तिलावत फरमाओ अल्लाह अगर थके हुए नहीं है तो कोशिश करें सरवात के तिलावत बवाजे बुलंदतर तिलावत फरमाओ अल्लाह नारे तकबीर काफी चले बैठे हैं कोशिश करें नारे का जवाब बुलंद आवाज से दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत इस बंदे के इमाम अली है दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत अहले बैत के दुश्मनों पे लानत अहले बैत के दुश्मनों पे लानत खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलवात लाओ सलाम अल्लाह الحمد لله المعروف ابن قال رضي الله الذي لم يزل قائما وداعا اسلام تمام ذات براجن بل بلبو ذات اور تاجن بل نائل داجن بل بحر ساجن بل جبل ذر جان الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين सलवात अल्लाह अलैहि अजमईन लानत अल्लाह इला आदम अजमईन अम्मा बाद फौज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिस बंदे को याद है कोशिश करो हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक जात इतनी बुलंद तर सलवात आले मोहम्मद कदीम खालिक हमारी सलीम इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत आ फरमाए आमीन
आमिर सारे कहना कि आज रात में तशरीफ फरमा हो, जितने भी दवाई मुकद्दस मुताहर पाक जिक्र में मांगे जाएं, शहजादे हुसैन अपनी बारगाह जलीलत व कदर में मंजूर फरमाएं, कबूल भी फरमाएं। मेरे मालिक बड़ा परशोक सफतना से जमाना, मेरे मालिक सली वाले की हिफाजत फरमा, मेरे मालिक पानी ने मजलिस के भाई गुलाम हुसैन की इज्जत पर इज्जत में फख्त में तफीकात में इजाफा फरमा, मेरे मालिक दार मात में हुज्जत ज़ियारत का ख्वाहिशमंद है, मेरे मालिक की निजर से ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। जो बीमार एक दुआ मेरे जिम्मे लगी है, एक मोमिन बीमार है, सदके इमाम सज्जाद के असनाद की बीमारी के सदके में मौला ने शफा अता फरमाया, दार मात में परेशान है, मेरे मालिक के जिक्र के सदके में सबकी परेशानियां हल फरमा, जो औलाद है सदके शहजादे अलैहिस्सलाम के झूले के सदके में जिंदगी वाला मात के अता फरमा। आमिन सारे कहना है, सबसे बड़ी दुआ है कि हमारी हकीकी वारिस वली असर हुज्जत दौरान सरकार कायम रहे सलाम के ज़हूर में तजलील फरमा, हम गुनाहगारों को अपनी माफ़ की ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमा, तमाम दुआ की मुस्तजाबी के लिए कोशिश करे सलवात बवाज़े बुलंद तर तिलावत फरमाओ। हुक्म की कमील होगी, वादा का वफा होगा। बिस्मिल्लाह, जिक्र हुसैन के वसीले से पहली दफा आप अज़ादारों मात में शरीक की ज़ियारत नसीब होगी। बड़े इज्जत और मोहतरम वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए हैं, जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने अज़ादार मात में बैठे हैं, सबके लिए दुआ करूँ। बिस्मिल्लाह, बड़ा डेढ़ सौ हुक्म था भाई गुलाम हुसैन का, उनके हुक्म की तमील में आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए वो लाहौर से पता नहीं कैसे कैसे भाग के हो गए। यकीनन आप सुबह 8 बजे से लेकर 4-5 घंटे आपको मसलसल ज़ादारी में होगी, इतनी गर्मी में आपका बैठना इस वक्त मेरे लिए मौज़े की बात है। ये कितना मेरे साथ बहुत कहना कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा खिताब अली को मानने वालों से है, ठोकने वालों से नहीं है। हाथ बुलंद हो गए, हाथ बुलंद आसमान से पीछे वाले सरदार मुस्कुराते हुए तो खैर आपको तो कोशिश करी कि नौकर पूछा पाया उर्दी को समझ आ रही है आपको, इतनी मुश्किल उर्दू नहीं मैं बोल रहा, ये सारे मेरे अपने बैठे जो जो भी मांग रहे हैं हुसैन की पाक अम्मा आपको झोली भर के की जूती नीचे से जो खाक निकलती है वो भी मुझसे अफसर एक ताला बिलम के सीधे से अगर आपने लगा लिया तो आप यहाँ नहीं होंगे, आपके दिन नश पर बर्बाद करवा सकते, लेकिन ये मेरे हाथ देखो सिंध वालों चलना मेरे मिजाज को बताते हैं, पहला जुमला इसे जुमले पे चेक करते हैं कि मैंने कितना कितना मेरे बाद मेरे वाजिब अहतराम मेरा अपने भाई है भाई कुमैल है फिर हमारे पंजाब के खूबसूरत नाम है मौला इज्जत बख्त नबी इजाफा का भाई जन जितने ज़्यादा दार माफी बैठे हैं सब के लिए पिछले सरदार ये वाले थके हुए चूंकि जिस्म सकता है इश्क सर मान से बंदा बुलंद हो सकता है लेकिन शिया नहीं हो सकता, हाय हाय जो अली के लिए हाथ बुलंद नहीं कर सकता वो सर देगा। शहीद अलामा नासिर बास कहते थे कि मजलिस में आज वही उठाता जिसे अली की राह दे रहे हो, जिस अली की राह ना दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं बोलते हैं, मजलिस में कैसे हाथ बुलंद हो सामने वाले भी थोड़ी सी मेहरबानी करवाएं या सीटा बदलो तो यहाँ बचाओ नाराज ना। एक जुमला कहने लगा हूँ गुलाम हुसैन भाई फिर इस जुमले पे चेक करते हैं कि मैंने कितना पढ़ा, अगर आपके दिन लगा दिए मैंने पहले मिनट किए आप यहाँ नहीं होंगे, आपके दिन अच्छी तरह लेकिन चलना मेरे मिजाज के मुताबिक ये नखरे नाल मजलिस में सुन ले नखरा अपने डेरे ते चंगा लगदा हुसैन दे घर नहीं है सबसे पहले आप बोल यहाँ नौकर बन गया तो सरदार बन के नहीं हुसैन खुद बहुत बड़ा सरदार जो बंदा नौकर बन गया वो सर उठाए पहला जुमले एक बंदे का भी हाथ नीचे रहकर फिर वो हाथ अली को सोचने वाले का हो सकता मानने वाले का नहीं हो सकता, क्योंकि हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं गैरत से हदीस से मुस्तफा अली को मोमन मानते हुसैन को इंसान मानते और गुलाम हुसैन भाई पहला जुमले जुमले पे बंदे का हाथ नीचे रहकर फिर वो हाथ अली को सोचने वाले का हो सकता मानने वाले का नहीं हो सकता, मैं ये दाद देने के लिए खिताब नहीं कर रहा है ही बात ऐसी अर्श छोटा बात है क्योंकि आले मोहम्मद के फजाइल पे हर बंदा तशरीफ
और वैसे भी मैं ये जुमला हर मजलिस में कहता हूँ कि मेरी कौम कभी ये ना सोचे कि अगला हुक्मरान रहेगा वो शिया होगा, वो सैयद होगा, वो हुसैनी दोस्त होगा, फिर हम खुल के जिक्र हुसैन करवाएंगे। सिंध वालों मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का होगा। अभी मैं जानबूझ के जोर में लगा रहा था क्योंकि अभी मुझे आपके जाने को तैयार हो गया। जो बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों किस मौसम में बैठना मिल गया मोजे की बात, जवान बैठे आप वादे बना के तुम्हारे। और क्या कहने जनाबे ज़हरा तेरे बेटों के, अब तक कि जो आले मोहम्मद बन के फिर मोहम्मद बन जाते जाते ना, तो ये बंदी के आगे तो मैं नहीं बनी, जो आले मोहम्मद बन फिर मोहम्मद बन जाते। ये मुल्तान वाले ज़दारी वाले मेरे भाई ये लाइव चला रहे, दुनिया मुझे देख रही है, पता नहीं कौन कौन कंप्यूटर रन करके मुझे सुन रहा हूँ। अभी तक कुछ ऐसे जो अभी तक मुझे देख रहे हैं कि सिद्धांत दे या ना दे, दाद मुझे नहीं देनी, दाद लफ्जों को देनी है। जो हाथ उठा लेता हुसैन के पास अम्मा से गिरा ले, फिफरा बाद के वाले के नाले को फिफरा लूंगा। जो आले मोहम्मद बन के फिर मोहम्मद बन जा, कायनात में कोई बाप एक बेटे की जमानत नहीं दे सके, आदम एक बेटे की जमानत नहीं दे सके, नूह एक बेटे की जमानत नहीं दे सके। अब बोले कि चलकर जो बैठो मैं नहीं कर सकता हूँ, मोहम्मद अपने 11 बेटों की जमानत दे रहा है, अब बोलो ना मोहम्मद, असल मोहम्मद है, हुसैन मोहम्मद है, सुजान मोहम्मद, पीछे वाले भी हाथ उठा लिया करो, बाकर मोहम्मद है, जाफर मोहम्मद है, काजम मोहम्मद है, रजा मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, तकी मोहम्मद है, अस्करी मोहम्मद है, कायनात में आखिरी हुज्जत भी मोहम्मद है, शियत यहाँ नहीं रुकती, शियत से आगे शुरू होती है, अकबर भी मोहम्मद है, और भी मोहम्मद है, जाफर भी मोहम्मद है, ताला भी मोहम्मद है। अब बात यहां तक आ गई मुझसे हजम नहीं हो रही, एक बजे तेरे सारे मौला के पास आया, उसने कहा मौला आपके नानक दीन जो सच है क्या सारे मोहम्मद है, फरमाते बेशक मेरे नानक दीन जो सच है, उसने कहा मौला अगर आप सारे मोहम्मद है फिर आपने कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, फिर आपके नाम होने चाहिए थे मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद सादस, मोहम्मद सानी। इमाम ने कहा तूने इंसाफ से की दीवार से कुरान उठा, उसने कुरान उठाया, इमाम ने कहा मेरे हाथ में रखा, उसने कुरान हाथ में रखा, इमाम ने कहा अब बता ये क्या है, उसने तो बोला कुरान है, फिर मैं सोच के बता ये क्या है, उसने तो बोला कुरान है, फिर मैं फिर सोच के बता ये क्या है, उसने तो बोला कुरान है, फिर मैं अगर ये कुरान है तो यसीन क्यों है, ये मुजम्मल क्यों है, ये तहा क्यों है, ये मुदस्सर क्यों है, उसने तो बोला ये फिक्र तो सूर से सिमसे तो कुरान, फरमाया हम फिक्र तो आल सिमसे तो मोहम्मद हो। अगले सरदारों में मैंने पहले मेहनत की, आप बोलेंगे तो पीछे वाले आपने मारा कर ज्यादा होगा, मैं नौकर हूँ आपको, मैं जो कुछ भी मातमी की जूती के सदके में, मातमी की जूती को चूम चूम कर हुसैन की पाक मम्मा ने मुझे स्टाफ कर मातमी तो वाजिब में नौकर तो सुबह जो कि जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी शबीर इमाम के लिए बनी, जवानी बाजार में जाया हो जिस जवानी पे लानत हो, और जो जवानी शबीर मुल्ला की काम आ जाए मुल्ला इस्लाम बन जाए, हाँ तो हो भी तो भावे ना हो भी चाहे जा भी जा, हम सिमटे तो मोहम्मद तो तफार है क्या, बंदा दांत ना दबे तो मुस्कुराए जरा, हाँ मुस्कुरा पड़ेगा मैं समझ जाऊंगा अपने मुल्ला की मदद, क्योंकि सुबह 11 बजे की दाद और होती है, 2 बजे की दाद और होती है, रात के 9 बजे की दाद और होती है, इतनी गर्मी में इतनी हब्बस इतना बोलना मेरे लिए काफी मदद से आपको सामने सामने ये 14 हकीकत में गए, मिजाज में गए, तहारत में गए, शराफत में गए,
صداقت میں، میں جملہ کہنے لگا پتہ نہیں کتنے بندے بول پڑے، سندھ والوں حتیٰ کے مکہ کے کافروں کو بھی پتہ نہ چلا کہ نبی سویا ہے یا علی سویا ہے۔ آپ جو ہاتھ بنا دھو کے ہاتھوں کا میاس بنا کے بہت اچھا لگا۔ نانا میرے بھائی نے بھی نارا حاضر میں کہا تو تھوڑے تھوڑے بندے نے جواب دیا، ہاں تجھے حیدری کر سکتا ہوں، اس نے کہا پھر چل میرے ساتھ مجھے کر دے، نہیں مالا
सरकारे सम्मान का हाथ पकड़ कर ना मदीने के बाद कब्रिस्तान ले गया। आप फरमाते ये बड़ा कब्रिस्तान जिस कब्र के तुम हाथ पकड़ो, उसने बिला तशरीह का इस कब्र को जिंदा कर दिया। मुझे अली कसम, हुसैन कसम, मुझे 5-12 मक्का मदीना नजफ सब की कसम, इतनी कसमें मैंने खाई है। कसमें आपके लिए नहीं खाता हूँ, दूसरों के लिए खाता हूँ। अब के बंदे यकीन न करे फिर उसकी मर्जी की बात है। सरकारे सलमान ने कब्र पे हाथ रखा, सरकारे सलमान ने नमाज पढ़ी, ना चिल्ला काटा, ना तस्बीह पढ़ी, ना दुआ पढ़ी, ना कोई नारा लगाया, कुछ नहीं सलमान ने किया। सरकारे सलमान कब्र पे हाथ रखकर कहते सहबे कब्र सुन, इसने मुझे कहा है, इसने कि मेरे मुर्शिद अली ने कहा है कि सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है, अगर अली ने कहा है तो कब्र से बाहर बाहर मुर्दा कफन समेत। अब अंकल को जो सांस करा था ना जिंदा सांप या ही आ गया। अब मुर्दा कब ना मशरे जब मगरब एक जुमला कहता है एनल जमल मेरा ऊंट का, हाय 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 मेरा ऊंट का। उसने कहा सलमान भाई ये ऊंट ऊंट क्यों कह रहा? सरकार सलमान का तेरा दिमाग तो ठीक है कि सरकार मोहम्मद मुस्तफा की हदीस भूल गए हो? सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने कहा नहीं था कि जो लफ्ज मरते वक्त जबान पे जारी होंगे जब वो कब्र से उठेगा तो भैया पास को गारेगा ये बेचारा ऊंट ऊंट कह के मरा होगा, जबकि मैदान में मैशर में उठेगा तो जबीर के सामने शोर मचा के जाएगा मेरा ऊंट क्या मेरा ऊंट क्या मेरा ऊंट क्या। सरकार सलमान कहते यही तो मदीने वालों की मिलते करता फिरता हूँ कि उनके बैठे खाते पीते चलते फिरते हर वक्त अली 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 किया करो, ताकि जब तुम कब्र से उठो दुनिया क्या पानी ढूंढे, तुम जबरी से पूछो अली कहा है अली कहा। दुनिया पानी ढूंढे तुम जबरील से पूछो अली का। अभी गुलाम जान भाई मैंने सरकारी कलंदर का नाम लगाया तो थोड़े थोड़े बंदे बोले, अब जिंदगी जल्दी जहां पता थोड़े बड़े भी दुख तो लगता है। अभी एक अंदर वाजा साहब आपने मेरी बात सही कर ली, ये सारे बोल रहे हैं ये सीधे से कम लंग गया था हमारे पंजाब में, उसने मुझे ये बात बताई कि आपके वाले करता पता नहीं कितने बंदे बोल रहे हैं, ये गले वाले थोड़ा सा बिगाड़ होगा आप थाना थोड़ी सी मेहरबानी। सरकारे बोधले का नाम सुना आपने? सरकार बोधला जो कलंदर का मरीज बैठा वो बंदा भी सामने आ गया, क्योंकि सिंह की दर्द यहां मुझे खिलाफ नहीं तो फिर मुझे दुख लगे। सरकारे बोधला उस वक्त का हुक्मरान था ना, उस वक्त का हुक्मरान लफ्ज है सादा, पता नहीं सादगी पर कितने बंदे बोल रहे थे। उसने कहा कि मैंने ना सरकारे बोधला को फांसी दे दी, सरकारे कलंदर दरबार में आए एक लफ्ज है मैंने पहले मिनट की सादा लेकिन मिन्नत कर मुझे खिला दे, पता नहीं कितने बंदे बोल रहे थे। सरकारे कलंदर कहते कि ये मेरा मरीज इसे फांसी ना देना। उसने कहा ना ना कुछ भी हो जाए मेरे फांसी दे, मुझे मेंबर के तक तक करके समझ सरकारी का अगर फिर से कहते हैं कि ये मेरा मरीज इसे फांसी ना देना। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैंने फांसी दे। अब सारो सारो सरकारे कलंदर ने ना जो गौर से बोधले को देखा तो वो एक के दो हो रात तो ये बंदी की आगे तो मैं नहीं लूंगा रात तो ये बंदी बंदी दो हो फरमाते एक को फांसी दे एक मुझे दे फरमाने जब फौज मेरे को मैं सवाल करता उसने कहा ना ना कुछ भी हो जाए मैंने दोनों को फांसी दे। गुलाम जान भाई फिर गौर से देखा मेरे को दो के चार हो गए फरमाते दो को फांसी दे दो मुझे दे कुछ भी हो जाए मैंने चारों को फांसी दे।
फिर गौर से देखा वो चार याद हो गए। सरकार के अंदर अभी नहीं किया कि कोई फरिश्ते भेजे जिससे कि दाद बहुत दे ये थके हुए अभी इनसे दाद का कैसे नहीं सुनने की वरना आर्श छोटा बात बड़ी है। फिर गौर से देखा तो वो सोलह हो गए जैसे हुए ना सोलह। बादशाह वजीर कुर्सी छोड़ के कहता बादशाह देख तो रहा है किस फकीर से तू पंगा ले रहा है, अगर तो इसे छेड़ता गया तो ये तेरा पूरा सिंध बोधों से भर देगा। बराबर है अली है, अली है, अली है, अली है, अली है।
وہ مقال کی راج اس میں لیا ہے بولتو میں مجمعنا جی رکھ رہی شکوا کرے اور خطیبی پہیل ہوئے کہ مجمع چھاپنا لگے پہ آگے دے سمجھے اتنے اچھے مجمع کو شکوا نہیں مطلب اپنے حد کی حدل سے آپ کو سمجھے جو جو بھی مانگنے ہیں حسین کی پاک ہم آپ کو جھولی بھر کے بھر کے بس تھکرا نہیں آپ کی سو سے میں نے میں نے چھوڑ دیا وہ مقال کی راج اس میں لیا ہے کعبہ کا اللہ کا بس آیا ہی نہیں مکان گرانا تو دور کی بات ہے وہ جو نشان ہے وہ نہیں مٹا سکتا ابھی میں بتاتا ہوں ایک بات کروں علی نو منن ناسے کو شیعہ سنی ہونا شرط نہیں حلالی ہونا شرط ابھی تک ملے نہیں مجھے یقین ہے یہاں سے مجھے خلاف مل جائے گا انکل دعا کر یزید کے نکالنے میں بندے کا نام اس نے روایت کیا وہ کہتا ہے کہ ہم 16 بندے کو سونا تھوڑی بات کو نہیں کہ جو کعبے کے قریب بیٹھے اب لفظ ہے سادہ ہے ایک لفظ پتہ نہیں کتنے مدد وہ کہتا ہے جیسے ہی ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب صلی اللہ محمد و آل محمد وہ کہتا بی بی نے کعبے کے قریب آ کے نا بلا تشبیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا سبحان اللہ وہ کہتا ہے جہاں تک بی بی کے ہاتھ بلند بلند وہاں تک دیوار شک ہو دیوار شک ہوئی پھٹ کے سن سن کے رشی ہٹا دینا چاہیے ایک نئی بات کے لیے بات کر رہا ہوں اب جتنے بھی کیمرے لگے کیمرے دوبارہ مجھے بندہ دکھانا بات سے کیا کرنا ہے بندے پریشان ہوئے کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا نہ اس گھر کی چھت میں موٹی غلام صاحب بھی جلدی آج جلدی جملہ آ گیا نہ اس گھر کی دیواریں کمزور تھی بندے پریشان کرنے کے لیے ابو طالب کے جا کے دروازے پہ دستک دیتے ابو طالب کو جا کے اطلاع دیتے ہیں بندے کرتے ہوئے ابو طالب کے دروازے پہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہاشمی کی بہو کعبے کے قریب گئی ہے کعبے کی دیوار پھٹ کی ہاشمی بہو اندر چلی گئی کسی کو خبر ہی نہیں ہے ابو طالب دروازہ بند کر دے گا مجھے اطلاع دینے کیوں آئے ہو یا بھلانے والا جانے یا جانے والی جانے یا بھلانے والا جانے یا جانے والی جانے یا بھلانے والا جانے یہ جانے والے جانے بندے پریشان ہوئے انہوں نے کہا کعبے کو توڑتے ہیں در کھولتے ہیں دروازہ دروازہ کھول کے اندر دیکھتے علی اماں کیا کر لیا بندے کھڑے ہوئے انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی اللہ کے بعد دیا تھلی کی ماں دروازہ کھول کے نہیں دکھا بی بی نے کہا میرے مالک حق ہوگی بلایا دیوار سے تھا بے دروازے سنائے اللہ نے کہا کہ ماں دیکھ ہی نہیں پہلی دفعہ لوگوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے دروازہ کھول کے نہیں دکھا تاکہ میں قیامت تک دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے اندر سے چلی نہیں آتا اندر سے علی آیا اندر سے چلے گیا علی آتا ہے اندر سے علی آتا ہے چار دیوارے کعبے کے لیے باپ نے چہرہ چھوڑنا نہیں آپ نے لگا یہ بات کے بعد چار دیوارے کعبے کے لیے چار دیوار غلام صاحب بھائی حج کے موقع پہ نہ غلام سے آپ کا کہا دیتا ہائے 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 اب بچہ ساتھ ہو تو ہو سکتا نا پاپا جی تین دیوارے ٹھیک ہے ہائے 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 ایک دیوار میں نشان کیا اب بول گئے جب کہ بیٹھے میں نہیں سکتا آج سے 1400 سال پہلے علی کی پاک اما کے استقبال کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنا نانا نانا ایک بات کرو سارے بول حضرت نوح علیہ السلام کا موتا تھا کشتی یا بزرگ میری بات کی بول کر
सफीना तो तब तक थी जब तक नूह थे। बेशक बेशक अब तो नहीं है ना। नहीं नूह गया मौजा गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजा था कि वो आग से फूल बनाते तो तब तक फूल बनते थे जब तक इब्राहिम था। अब तो नहीं गया ना। नहीं इब्राहिम गया मौजा गया हजरत ईसा अलैहि सलाम का मौजा था कि वो मट्टी से परिंदे बनाते या मुर्दों को जिंदा करते तो तब तक परिंदे बने बनते थे जब तक हम साथ थे।